नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 50,000 के इनामी खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इससे पहले भी आरोपी इकबाल की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वहीं एक बार फिर से हाजी इकबाल पर तगड़ा शिकंजा कसा गया है, जिससे फरारा माफिया को गहरा सदमा पहुंचने वाला है। पुलिस ने अब हाजी इकबाल की कोठी को भी कुर्क कर लिया है। और तो और, पुलिस ने इकबाल की कोठी के बाहर ढोल नगाड़ा बजवाकर मुनादी कराई। इसके साथ ही पुलिस ने कोठी से भारी मात्रा में घरेलू सामान भी कब्जे में ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। भगोड़ा घोषित किए गए खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके आवास में मौजूद सभी सामान को कुर्क कर लिया है। पुलिस कब्जे में लिए हुए सामान को थाने लेकर चली गई। हाजी इकबाल के परिवार के सभी सदस्य फिलहाल जिला जेल में बंद हैं। हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं इकबाल के 3 बेटे और सगा भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। इकबाल की मुश्किलें सबसे पहले उस समय शुरू हुई जब 2016 में उसके खिलाफ 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी मामले में ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी के बाद आयकर विभाग ने भी इकबाल के खिलाफ जांच करनी शुरू कर दी थी। हाजी इकबाल की 3 अरब की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इकबाल की करोड़ों की कोठी को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया था। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके परिजनों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसके 3 बेटों और भाई महमूद अली की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन सब पर कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार 3 घंटे तक कुर्की की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाजी इकबाल की कोठी से 3 पंखे, 2 सोफा सेट, 3 एसी, डाइनिंग टेबल, 4 झूमर, 2 वॉशिंग मशीन, 1 जनरेटर, 4 गीजर, डबल बेड के साथ साथ कई घरेलू सामान कुर्क किया है। परचून की दुकान से सफर शुरू करने वाले हाजी इकबाल हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। लेकिन जब उसकी पोल खुलनी शुरू हुई तो मुश्किलें बढ़ती चली गई। हाजी इकबाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज मामलों में कार्रवाई शुरू हुई तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। हाजी इकबाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाजी इकबाल कब तक कानून के शिकंजे से भागता फिरेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।